तुम यू नहीं मानोगे, हो जाए फैसला, हो जाए। बोलिए, एग चाहिए या तेल? तेल। ये लो, गौर से देखो। तुम कोई नहीं जीता उसका क्या मतलब? मतलब ये है कि हेड और टेल दोनों अपने हाथ में है। जरा इस कॉइन को गौर से देखो, इसके दोनों तरफ है हेड और इसके दोनों तरफ है टेल। बिल्कुल गलत। अपना फॉल तो यह है कि दोस्त को कभी धोखा नहीं देना चाहिए और मक्का और दगाबाज को कभी नहीं खोना चाहिए। अब तुम ही फैसला कर लो कि दोस्त हो या दोस्त। आपका मतलब राय बहादुर से है? हाँ। और वो 10 लाख की मालियत की कीमती हीरे भी इसी मकान में है। राय बहादुर पर इसलिए शक किया जाता है, जब गुलाब चंद मारा गया उस वक्त उसके पास हीरे नहीं थे और ना ही वो हीरे बाजार में आए और ना ही कहीं बेचे गए हैं। इसलिए ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि वो हीरे इस मकान में है और वो हीरे तुम्हें किसी सूरत में हासिल करना है। इसकी तो आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। तुम्हारे दिल में बेईमानी थी, तुम्हारे दिल में बेईमानी थी। अब मैं क्या करूं? हीरे, हीरे यही है जो यही कहीं छुपाए हुए हैं। शीला बेटी, सुबह सुबह कहां जा रही? जान बूझ कर भाग रही। आपसे नहीं, उस चंदन से। क्यों? उसने आज पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है और मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती।
तुम जाना तो किसी के साथ नहीं चाहती, क्योंकि अकेले घूमने की आदत है ना। और फिर भी मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं जाना चाहती? देखा की बातें करता है। तुमसे शादी करना चाहता है यही ना? मगर मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। क्यों? बिल्कुल बेवकूफ। बहुत सी लड़कियाँ बेवकूफ मर्दों को ही पसंद करती हैं। और तुम जानती हो चंदन अमीर है, अपनी माँ का इकलौता है। आपको मालूम है डैडी, मुझे रुपये से कोई मोहब्बत नहीं और न उन आदमियों से दिलचस्पी है जिनके पास रुपया है। चंदन कैसे हो? बड़ी चिल्ला किधर है? देखो नहीं, आज सडनली फ्रेंड्स लोग ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, तो मुझे भी ले चलो पिकनिक पर। अंकल एक्सक्यूज मी, बड़ा सोचो, अरे आप तो फी कटा के बछड़ों में नाम लिखाते हो। बड़ी आपने बताया नहीं शीला किधर है। शीला, शीला बाहर गई। डबल आईडिया। शीला, अरे शीला, अरे आप भी तो लिखेलती हो क्या? टाइमर नहीं आता तो पहले कि मैं तैरती, आपने मुझे बचा लिया। वैसे आपकी तारीफ? मेरा नाम मजीद है। मैं आपकी तारीफ भूला, तारीफ तो उसकी है कि जिसने आपको बनाया। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मुझे शीला कहते हैं। माफ कीजिएगा, अगर मैं आपके हुक्म की तारीफ करूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा मानेंगे या नहीं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मगर पहले आप ये बताइए कि ये सारे लोग इतने बेबाक क्यों होते हैं, फौरन हुक्म की तारीफ करने लग जाते हैं। मैंने कहा हुजूर, हम तो तारीफ ही करते हैं, कभी बुराई नहीं करते। अब फिर खुश, इसे तो मैं साल हर साल से जानता हूँ, यानी मेरा मतलब है इसे मैं हजारों साल से जानता हूँ। कभी मैंने इसे पहचान में देखा है, कभी खिलते हुए फूलों में। क्या आपको शायरों का ये अंदाज बिल्कुल पसंद है? बहुत पसंद है। और ये गाना आप गा रहे थे, ये आपने लिखा था क्या? जी हाँ, मैंने ही लिखा। बहुत अच्छा था। मैं पूछ सकता हूँ कि आप रहती कहाँ? जी लाल, मेरे पिताजी हैं। क्या आप कल फिर यहाँ आएंगे? जी, आप जैसे शायर हो तो बहुत आना पड़ेगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। तब तो मैं जरूर आऊंगी। कल से मिलोगी ना? कल कल नहीं आऊंगी। कल नहीं आऊंगी क्यों? कल मेरी सालगिरह है। कल तुम्हारी सालगिरह? फिक्र न करो शीत, मैं आऊंगा और फर के बल चल के आऊंगा। नहीं मुझे, मैं तुम्हें अपनी सालगिरह में नहीं बुलाना चाहती। तुम मुझे अपनी सालगिरह में नहीं बुलाना चाहती? नहीं। इसलिए कि मैं गरीब हूँ? ये बात नहीं है, मैं तुम्हें उस माहौल में नहीं ले जाना चाहती। मुझे सफल नसीब हुआ है, और अगर मैं तुम्हें घर ले गई तो तुम उसी सजा में खो जाओगे और ऐसी हो जाओगे जैसे उन लोग हैं। मैं इतना ही सपने किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? शीला,
थी। मैं भी तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। हेलो, हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? अरे कमाल करती हो, आवाज भी नहीं पहचानती। बड़ी सीमा, क्या बात क्या है? ओ बड़ी चंदन, बड़ी शीला, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं घर पर आता हूँ तो तुम मिलती नहीं हो। बड़ी मेरा हार्ट की कंडीशन तो एयर कंडीशन हो जाती है। ओ चंदन, I'm very sorry। देखो कल मैं एक जरूरी काम से चली गई थी। ऐसा तो बड़ी तुम सॉरी क्यों कहती हो? मैं कह देता हूँ, बड़ी शीला आई एम वेरी वेरी सॉरी। बड़ी तुम भी कमाल करती हो शीला। अरे अभी तुम्हारी 16वीं सालगिरह है ना? 16वीं सालगिरह, लड़की लोग कभी करेक्ट नहीं बोलता, हमेशा अपना उम्र कम बताता है। बड़ी आया, तुम क्यों बीच में बोलती है? हम बोलती नहीं, सिर्फ हम बताता है। यूँ हमारा उम्र 35 है, बट हम लोगों को स्पीड 17 बोलता, लोग बिलीव कर लेते हैं। माफ करना शी, मैं नहीं चाहता था कि इस खुशी के मौके पर तुम्हें तकलीफ दूं। शीला, तुमसे रुखसत होने के बाद मेरा दिमाग तुम्हारी बातों और तुम्हारी यादों ही में उलझा रहा। बार बार यह ख्याल आता था कि तुम्हारी सालगिरह पर कोई तोहफा न देना मोहब्बत सख्त तौहीन होगी, लेकिन दिल ने कहा कि तेरे पास लफ्जों के सिवा और है ही क्या जो तू देगा। मैंने सोचा जो कुछ भी हो वो तुम्हारे आगे पेश कर दूं, चाहे ये तोहफा हकीकी क्यों ना हो। तुम्हारी मोहब्बत से बच्चे भी दुनिया में कोई चीज है? नहीं जी, मेरा तोहफा तो यह हकीर कागज है। यह एक नज्म है, मेरे जज्बात की तर्जमानी और हमारी मोहब्बत की निशानी। नजर का मिलकर छुप जाना मोहब्बत की निशानी। बहुत पसंद आया, सब तोहफे से ज्यादा। तुमने बड़ी खूबसूरत नजम लिखी है जी। तुम्हें मेरी नजम पसंद आई, मेरी इज्जत अफजाई। अच्छा, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात, फिर कल मुलाकात होगी। शीला, शीला, बड़ी आज तो लग रही हो। अरे तेरी शर्माने की क्या बात है, बड़ी लग रही हूँ तो कह रहा हूँ। बड़ी शीला की तरह वो क्या है, अच्छा है, बटन है, आपके डबल है, बटन सिंगल है, देखो नहीं, देखो देखो शीला, तुमने तो कमाल कर दिया। बड़ी सबको नजर पड़ती और मुझको ही नजर नहीं आती। बड़ी मगर मैंने भी ढूंढने में मजनू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन तुमने भी छुपने में नहीं नाका।
बड़ी बड़ी मगर बात क्या है? बड़ी बात ही है कि बड़ी ये नवा मुर्गा कौन है? गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सी दिस फोटो अंकल, दिस इज यू एंड दिस इज माय डैड। ये आप हैं और ये हमारे डैडी। लेकिन ये तो लंदन में था ना? मैं भी लंदन में। वेरी गुड, वेरी गुड। बेचारे की अचानक मौत हो गई। He was a wonderful man, wonderful. अंकल, वो भी हमेशा आपकी बहुत तारीफ करते थे। उन्होंने कहा था कभी इंडिया जाना तो हमारा फ्रेंड राय बहादुर से जरूर जरूर मिलना। इसलिए हम इधर आया है। हमारा सामान बाहर टैक्सी में है। अंकल इधर कोई नाइस होटल है? ये क्या बेवकूफी की बातें हैं? ये तुम्हारा है बेटे, तुम्हारा टैक्सी से सामान ले आओ जल्दी। शीला माय बॉय, इनसे मिलो, मिस्टर दलीप और ये मेरी बेटी शीला। प्लीज टू मीट यू। अच्छे मौके पर आए हो, आज इसकी फल की रहे। ओह हाउ नाइस, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। प्लीज शेक हैंड। शीला, तुम्हें याद है मैं अक्सर जिक्र किया करता था कि मेरे एक दोस्त लंदन में रहते हैं जिनका नाम राजेंद्र कुमार है। ये उनका लड़का है, कितना बड़ा हो गया। इम्पॉसिबल, आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम द एयरड्रोम। हम एयरड्रोम से आता है अभी। बड़ी मुझसे भी तो मिलिए ना। ओह यस मिस्टर दलीप, आप इनसे जरूर मिलिए। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। बड़ी मेरा नाम है चंदन मलहेटा मल पंजवानी। श्योर इट्स अ ग्रेट प्लेजर मिस्टर पंजवानी, इट्स अ ग्रेट प्लेजर। अरे आप तो बिल्कुल इंग्लिश एक्सेंट में बात करते हो। आई एम सो सॉरी, यू नो आई एम जस्ट कमिंग। हम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आई मीन ठीक हो जाएगा। बड़ी नहीं हो गए तो मैं ठीक कर दूंगा। चंदन प्रेमी जी तो अभी तक नहीं आए, प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। आइडिया एकदम मिस्टर चलो ना केक काटो। अरे आना भाई लोगों, आओ आओ। Thank you very much. Thank you. आज देखा एक अंधेरा हो गया और किसी ने शीला के गले से 50,000 रुपए का हार गायब कर दिया। मैं तो जा रहा था। कल्याण, प्रेमी जी के होते हुए पुलिस की क्या जरूरत है? इनसे कहिए सब बता देंगे। पिछले साल मेरी लड़की की शादी के जेवर चोरी हो गए थे। प्रेमी जी ने एक ही चीज का पता बता दिया। बड़े प्रेमी जी तो बहुत ही कमाल के हैं। अब प्रेमी जी आपसे क्या छुपा है? 50,000 रुपए का हार है। शांति राय बहादुर, राय बहादुर जी हार इसी कमरे में है। किसके पास? इसी कालीन के नीचे। अरे जल्दी तो चुप रहो। यही राय बहादुर। आप धन है प्रेमी, सचमुच ही महान महान। ये सब भगवान की कृपा है। कल्याण हो, कल्याण हो। राय बहादुर जी, शीला की सालगिरह की खुशी में हमें मिठाई नहीं खिलाओगे? बेटी मिठाई तो लाओ। बड़ी सीख मत लाना, उसके अंदर में एग होते हैं। आई मीन टू से अंडा। राय बहादुर जी, ये कौन व्यक्ति है? ये मेरे दोस्त का एक लड़का है।
आज ही लंदन से आया है, अभी मैं आपसे मिलवाता हूँ। मिल लेंगे, जल्दी क्या है। राय बहादुर, मंगल तुम पर भारी है, इसलिए आवश्यक है कि तुम नए आदमी से बच कर रहो। लाओ जरा अपना हाथ दिखाओ। ये लीजिए। क्या बात है प्रिंस, कुछ तो बताइए। राय बहादुर, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि तुम्हारे ग्रह अच्छे नहीं हैं। तुम जल्द ही किसी मुसीबत में फंसने वाले हो। जी, मुसीबत? साहब, आपका टेलीफोन है। प्रेमी जी, मैं अभी हाजिर हूँ, देखिए। लीजिए प्रेमी जी। कल्याण हो। अरे प्रेमी जी, हमारा भी कुछ उद्धार कर ही डालो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुंवारा ही मर जाऊं। इनकी हमारी रेखा वैसे नहीं मिलती होवे तो कुछ पूजा पाठ कर डालो नी। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी रेखा मिल जाएगी, तुम्हारे तो आनंद ही आनंद। अच्छा। कल्याण हो तुम्हारा। लो प्रसाद लो। वही हम के नहीं लो, फिफ्टी फिफ्टी करो नी। अच्छा, आधा तुम लो और आधा पीला ले। एक्सक्यूज मी, डायरेक्ट आने दीजिए ना। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी मौत। राय बहादुर, वो 10 लाख के हीरे अभी तक तुम्हारे ही पास है, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर हमारे हवाले कर दो, समझे? जगह और वक्त बाद में बताया जाएगा। तुम कौन लोग हो? तुम हमें खूब जानते हो, अगर हीरे न पहुंचाए तो 3 दिन के बाद समझ जाओ। अब हमारा समय हो गया है, हम चलते हैं। प्रेमी जी, गंदी से क्या मुसीबत आने वाली है, ये तो बताइए। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, तुम चिंता न करो, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। अच्छा, अब हम चलें। प्रेमी जी, बड़ी आज आपने मुझको खुश कर दिया है, मैं आपको सूखा नहीं जाने दूंगा। बड़ी आज आपको मेरी कार में चलना पड़ेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो। बड़ी एक्सक्यूज मी, मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? तो सोचो नहीं, सोचो सोचो। चंदन, तुम बुद्धिमान हो गए हो। आपकी कृपा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण, कल्याण हो, कल्याण। बाय बाय शीला, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट शीला, बाय बाय शीला, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट शीला। डैडी वो तो चले गए। चले गए? अच्छा, तुम डैडी को उसके कमरे में छोड़ जाओ। जाओ जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए मिस्टर डैडी, आपको आपका कमरा दिखा दो। ओह, थैंक यू, थैंक यू। Do you remember, Sheila, when we were sort of at we used to play together? Huh? Oh, it's all right. You know, I think you have so often got here. I like it very much. Ji, mujhe kuch chahiye. Ye raha aapka kamra. Oh, dekhiye. Night is very young. Aap hamare kamre mein kyun nahi aata? Kuch baith ke baat karega udhar? Ji, nahi. Mujhe waqt nahi. Good night. Good night. Sweet dreams. Thank you.
Thank you.
सिटी
साइड के ऑफिस। व्हाट? शीला ने तुमसे प्रॉमिस किया? और नहीं तो क्या तुमसे करेगी? गॉड ऑलमाइटी, हम समझे, हमसे प्रॉमिस किया? अरे कुछ तो सेंस है कामलोनी, बड़ी हमारे होते हुए तुमसे प्रॉमिस किस तरह कर सकती है? शीला, अरे शीला, छाती नहीं कर रही। शीला, बड़ी शीला, थोड़ी हेल्प करो नी, एक आवाज हमारे वास्ते। शट अप। शीला, मिस्टर दिली, मुझे यकीन है कि मिस्टर पांजवानी आपको शहर की ठीक सैर कराएंगे और आप उसे मुझसे ज्यादा पसंद करेंगे। वो बड़ी मजेदार चीज। पांजवानी डियर, तुम्हारे मेरे में कोई फर्क नहीं। गरीब को शहर की सैर कराओ, उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं ऐसे काम से बाहर जा रही हूँ जिससे हम दोनों का फायदा है। तुम्हारी सीधा वही कंफर्म हो गया। वेल मिस्टर पांजवानी, क्या अपॉइंटमेंट किया है? अबड़ी देखो ना साईं, आज की में कुर्बानी कंपलसरी हो जाती है। अबड़ी चलो तुमको सैर करा दूं। लिव इट मिस्टर पांजवानी, हम हो चला जाए। अबड़ी देखो ना, सीधा का आर्डर है, हम तुमको कैसे छोड़ सकता है? नो मिस्टर पांजवानी। अबड़ी अड़ी मत करो, चलो नी, अरे चलो चलो, अरे चलो। बड़ी जल्दी क्या सोच रहे हो? अरे देखो नी, देखो। ये लड़की तुमको जानती है? कौन ये? अमर श्री में पंजवानी को कौन नहीं पहचानता है? ओ पंजवानी, बड़ी फरमाइए, बड़ी अंदर आओ नी। आइए आइए। आप मुझे ढूंढ रही हैं? वल्ला अगर मैंने इस वक्त कोई और चीज मांगी होती तो वो भी पूरी हो जाती। बात दरअसल यह है कि मैं उस्ताद की गजल पर गजल कह रहा था। एक ही शेर हुआ था कि कलाम का सिलसिला मुनक़िद़ हो गया। अब आप आ गई हैं, सारी गजल पूरी हो जाएगी। उस्ताद का शेर मुलाहिज़ा कीजिए, कहते हैं, हो ज़र्द रू शफक तेरे गालों के सामने, हो ज़र्द रू शफक तेरे गालों के सामने, पानी भरे घटा तेरे बालों के सामने। और खादिम का शेर मिलाजा कीजिए, कहता हूँ, वो मात खा गए मेरी चालों के सामने, वो मात खा गए मेरी चालों के सामने, अरे किसका चराग जलता है कालों के सामने। नामुमकिन, यानी आपका मतलब यह है कि उस्ताद की गजल पर गजल कहना नामुमकिन सी बात है। अरे साहब, आपने मुझे ये क्यों समझ रखा है? ये लीजिए, मैं अभी आपको अपनी एक गजल सुनाता हूँ, शेर मुलाजा कीजिए। मेरा मतलब है, आप लेके कहाँ हैं? नामो निशान पूछें तो एक कासिद बता देना, तकल्लुस दाग है और आशिकों के दिल में रहते हैं। नहीं, मेरा मतलब है, आपका कयाम कहाँ है? ओ कयाम, ये तो मैं जानता था कि आप मुझसे एक दिन ये सवाल जरूर करेंगे। आइए, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आइए 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 ना। जिस तरह हिंदुस्तान में बहुत सी इमारतें मशहूर हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब साहब का लाश, इसी तरह खादिम की ये झोपड़ी भी मशहूर है। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। आइए तशरीफ लाइए, अंदर आइए। गरीब खाना हो हाजिर हर बला के लिए, आखिर आप गरीब खाने पर अच्छी ले ही आई। बहुत दिनों से आपका इतराज था कि यहाँ आए। लीजिए देखिए, गौर से देखिए, यही वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। अब बताइए आपकी क्या खिदमत की जाए? आपके लिए कुछ चाय, कुछ ठंडा, कुछ क्या बात क्या है? बहुत परेशान। ओफ, आप तो सिर्फ कली से परेशान है, यहाँ तो न जाने परेशानियों ने कब से हमारा साथ। बात नहीं है, कल हमारे यहाँ एक मेहमान आया, उसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है। मेरा मतलब है, तुम्हें छुपा और उसको निकालो, बिल्कुल तुम दोनों हम शक्ल हो। यानी उसकी शक्ल मुझसे मिलती है? हाँ, बिल्कुल तुमसे मिलती है। कमाल हो गया। तो हुजूर बात यह है कि इस सिलसिले में तो मुझे परेशान होना चाहिए। आपको? जी हाँ। आपको क्यों परेशान होना चाहिए? मुझे इसलिए परेशान होना चाहिए कि जब वो आपके मेहमान, जिनकी शक्ल बिल्कुल मेरी तरह है, वो आपके घर में 24 घंटे आपके साथ रहते हैं,
तो फिर मेरी मोहब्बत में क्या होगा? कैसी बातें करते हो जी? क्या तुम समझते हो बच करने लगूंगी? इसी बात का तो डर है शील। तब तक तुम बिल्कुल पागल। मोहब्बत सूरत देखकर नहीं की जाती, समझे? मोहब्बत अगर सूरत देखकर नहीं की जाती तो फिर तुम इस कदर परेशान क्यों? मैं इसलिए परेशान हूँ, क्या एक शक्ल के दो इंसान हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद। और फिर अगर तुमको एक शक्ल के दो आदमी बुरे लगते हैं तो मैं तुम्हें एक खंजर ला के दूंगा, तुम उससे मेरा फैसला कर दो। क्या फैसला किया? फैसला? कैसे फैसला? मैं हमेशा के लिए तुम्हारी खामोश झील की तरह हसीन आंखों की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इस दिल फरेब मुस्कुराहट में हमेशा हमेशा के लिए खो जाना चाहता हूँ। ये शायरी नहीं है शील, आज तो तुम्हें हाँ या ना का फैसला करना ही होगा। और अगर मैं ना कह दूँ तो? अगर तुम ना कह दो तो मैं उसको भी अपनी हाँ समझूंगा। प्रणाम प्रेमी जी। कल्याण, कल्याण प्रेमी जी। रात में आप कुछ समझा रहे थे, अब मैं समझ नहीं सका। समझा तो मैं कुछ भी नहीं रहा था, केवल तुम्हारे ग्रहों का फल तुम्हें बता रहा था। यही तो जानना चाहता हूँ प्रेमी जी। अच्छा, तो शांतिपूर्वक बैठ जाओ, मैं ध्यान करता हूँ। सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे इत्यादि। राय बहादुर, तुम आज ही रात इन वस्तुओं को अपने से दूर कर दो, नहीं तो तुम्हारी जान जाने का भय है। प्रेमी, मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर पालन करूंगा। कल्याण, कल्याण। माफ कीजिएगा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? माफ कीजिए। आप हैं, आप तो सुबह मुलाकात हो चुकी है। आप मुझे ब्लू होटल तक पहुंचा सकते हैं? माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ जी। नजदीक ही तो है जी। ब्लू होटल जी, देखिए आइए, चलिए चलिए जी। राय बहादुर ने डांसर भी चुन के रखी। कौन गाता है? आप राय बहादुर को नहीं जानते? वही तो नहीं जिनके यहाँ आप ठहरे हैं। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं वहाँ ठहरा हूँ? मैं उन साहब को जानती हूँ जिनकी गाड़ी में आप सुबह थे। अच्छा, वो राय बहादुर की लड़की से मोहब्बत करते हैं। और आप किससे मोहब्बत करती हैं? आपसे। तब तो मुझे बहुत डरना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हसीन जिससे मोहब्बत करते हैं उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता। बहुत मजेदार आदमी। कभी मेरा नाम लीजिए, इसके बारे में मुझे बहुत।
हेलो आइए आप भी शॉप कीजिए। बात नहीं सदा जी, मैं ऐसा जुआ नहीं खेलता। फिर मैं तो खेलता हूँ एक मिनट में इधर या उधर। तो हो जाएगा। मांगिए। भेद लेने के लिए पंछी को जाल में फंसाना जरूरी। मोहब्बत का मगर बात तो बात हुक्म देते हैं, काम कैसे करना है तो मुझे मालूम है। और लगाइए और सहयोग लग जेंटलमैन, सहयोग लग तुम ठीक हो, पहले रुपया दिखाओ। ये लीजिए आपका रुपया। थैंक यू। आप दूसरों को धोखा देने में बहुत होशियार हैं, लेकिन इसमें जान का खतरा है। अरे साहब, हम तो धोखेबाजों की महफिल में हथेली पर जान लिए घूमते हैं, और आज तो वाकई मेरा दिल थक गया है। देखिए अभी तक थक रहा है, पहले किसी और वजह से थक रहा था और अब किसी और वजह से। एक बात तो बताइए, आपने मेरी जान क्यों बचाई? एक बात मैं पूछूं? फरमाइए। वाकई आप इस शहर में नए आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल नया, यानी कि डायरेक्ट फ्रॉम लंदन। आप अनाड़ी मालूम होते हैं। अरे साहब, मालूम होते हैं, हम तो बिल्कुल ही अनाड़ी हैं। इसीलिए तो आप जैसे लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने आपकी जान नहीं, अपनी जान बचाई है। वो कैसे? आपका बॉस कौन? मेरी मजबूरियां अलग सी हैं और मेरी मोहब्बत कुछ और। ये ब्लू होटल किसका? ऐसे ही बहुत से सवाल मैं भी आपसे कर सकती हूँ। ये लीजिए, राय बहादुर का मकान आ सकता है। थैंक यू फॉर दिस प्लेजर इज माइन। चालाक और 420 किस्म का आदमी मालूम होता है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसके फाय की तरह पीछा करो, फिर तुम उसे अकेला क्यों छोड़ा है? बड़ी हमसे भूल हो गई, उसने चक्कर दे दिया। देखो नहीं कैसा हम शरीफ है, हमने समझा वो भी शरीफ है। बोल कर गया अभी आता हूँ, अभी तक नहीं आया। बड़ी अब वहाँ जैसे कदे के सबसे सी, अभी इसके अंदर में हमारी क्या मिस्टेक है? जरा सोचो नहीं, सोचो सोचो। हेलो मिस्टर पांजवाने, हाउ आर यू? हेलो किला डियर। हेलो हेलो हेलो। अच्छा चिल्ला, मैं चलता हूँ। अरे हम आते और तुम जाता, ये तुमको टाइप कर लगता है? देखो नहीं, हमको थोड़ा अर्जेंट काम है। अच्छा चिल्ला, लेकिन उसका वो बड़ी फिर आड़ी, देखो नहीं काय को मस्करी करता है। टाटा चिल्ला, टाटा टाटा पंजवानी। हेलो चिल्ला जी, व्हाट हैपनिंग इन द मॉर्निंग? तुम हमको अच्छा चकमा दिया। ये तुम रोज सवेरे सवेरे किसको मिलने जाता है? तुम्हें अपने काम से काम माइंड योर ओन बिजनेस। ओके बेबी, आई एम माइंडिंग माय ओन बिजनेस, बट लेट्स हियर, आदमी हम भी बुरा नहीं है। गुड नाइट डियर। राय बहादुर स्पीकिंग। राय बहादुर, 3 दिन की मुद्दत खत्म हो गई, आज आखिरी दिन है। रात के 12 बजे हीरे लेकर नदी के पुल के नीचे आ जाओ, समझे? राय बहादुर, हमने अपना वायदा पूरा किया, अगर जान प्यारी है तो तुम भी अपना वायदा पूरा करना, हम इंतजार करेंगे रात के 12 बजे, समझे? यस यस। रात
अंकल आजाद कुछ परेशान नजर आते हैं। परेशान? नहीं नहीं तो अंकल अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आई कैन कम अलोंग विद यू, आई एम फ्री। राय बहादुर, क्या कहीं बाहर जाने की तैयारी हो रही है? प्रणाम प्रेमी जी। कल्याण हो, कल्याण हो। हम मंदिर से लौट रहे थे, सोचा राय बहादुर को भी प्रसाद देते चले। ये लो प्रसाद, आज मंगल का दिन है और मंगल तुम पर भारी भी है। लो दिलीप, तुम भी प्रसाद लो। थैंक यू प्रेमी जी। अच्छा वो प्रेमी जी आप आ गए, मैं आप ही के पास आ रहा था। सब कुशल तो है? जी हाँ कुशल ही है। चलिए मैं सब कुछ आपको बताता हूँ, आइए। बैठिए प्रेमी जी। क्या बात कर रहा है बहादुर? प्रेमी जी मेरी रक्षा की, मेरी जान खतरे में है, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं तुम माया मोह के जाल में फंस गए हो। भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, मोटर है, औलाद है, फिर किस बात की चिंता है? याद रखो राय बहादुर, दुनिया में जान से ज्यादा प्यारी कोई वस्तु नहीं है। राय बहादुर, मालूम होता है कि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस वस्तु से तुम्हारी जान को खतरा है उसे फौरन अपने से दूर कर दो। प्रेमी जी मैं आपके आदेश का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मेरी क्या मजबूरी को भूल जाओ राय बहादुर, मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो ग्रहों के अनुसार अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? चलो इस कार्य को शीघ्र ही पूरा करो, चलो। Come on, Penny ji, come on. Please say something about me also. You are such a learner. देखो फिर, हमें ये भाषा नहीं आती, सीधी तरह बात करो। I'm so sorry. Penny ji, आप इतने पहुंचे हुए आदमी हैं कि कुछ हमें भी बताइए। बाबू अब तुमको क्या बताऊं, तुम्हारे दिल में कुछ है और जबान पर कुछ है, हाथ दिखाना है तो दिल साफ करके दिखाओ। दिल तो साफ है प्रेमी जी, लाइक ए मिरर। दिल साफ है तो सुनो, तुम्हारी रेखाएं बताती हैं कि तुम किसी का खून करने वाले हो। खून? 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 प्रेमी जी आप मजाक कर रहे हैं। मजाक तो तुम करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में खून लिखा है और प्रेमी जी जो कुछ कहते हैं वो कभी झूठ नहीं होगा। अच्छा राय बहादुर अब हम चलते हैं। अच्छा प्रेमी जी, कल्याण हो, कल्याण हो। मैं चाहती हूँ कि दलीप जब भी बाहर जाए तो उसका पीछा करो, उसके यहाँ आने में जरूर कोई राज है और वो बड़ा खतरनाक आदमी मालूम होता है। बड़ी खतरनाक मालूम होता है तो मुझे इस कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती हूँ। देखो उसके हाथ में तो खून दिखा है, कहीं मेरा ही खून न कर दे। चंदन मैं मेरे हाथ में काम करना चाहती हूँ। बड़ी तो ऐसा बोलो नहीं, ज्ञान हाजिर है। अगर पीछा करते हुए मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना मोहब्बत में बेचारा पंजवानी काम आ गए। अच्छा अच्छा मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें नहीं लिख सकता जिसमें तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। शायद वो
मैं क्या करूं प्रेमी जी, मैं आपके आदेश का पालन करना चाहता हूं, लेकिन कुछ पता नहीं असली हीरे कहां छुपाए हुए। मेरी आंखों के सामने चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है। क्या होगा? नहीं, मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। नकली हीरे, नकली हीरे। बदमाशों ने किया है जिन्होंने उसको कत्ल करने की धमकी दी थी और असली हीरे भी लेकर वो गायब हो गए। तो खून तुमने नहीं किया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। पुलिस यही समझती है कि खून तुमने किया, इससे एक फायदा होगा, वो बदमाश छुपेंगे नहीं बल्कि अपना काम जारी रखेंगे। अफसोस तो ये है कि मैं उन बदमाशों को पकड़ नहीं सका कि आखिर वो है कौन। लेकिन आप फिक्र न कीजिए, मैं पुलिस की नजरों से बचकर इस रात को सुलझा कर ही रहूंगा। ओके कैरियर। ओके बात, थैंक यू। यस बात बेवकूफ हो, ये हीरे नहीं शीशे के टुकड़े। तुम्हें असली और नकली चीजों की तमीज नहीं। मुझे यकीन है असली हीरे दरिश से गए, उसमें तुम्हारी आंखों में डूब जाऊंगी। उसका पीछा करो, उसको पकड़ कर मेरे पास लाओ, उससे हीरे हासिल करने। ऑल राइट बॉस, कम ऑन। सारे सपने हाथ में लेकर घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरा नाम अजीत है तो मैं दिलीप को पकड़ कर जाऊंगा, मैं साई की तरफ का पीछा करूंगा। तो बड़ा खतरनाक आदमी और पुलिस उसकी तलाश में, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। मुझे कोई खतरा नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, और अगर तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। प्रेमी आइए। शीला बेटी जरा यहां आना। कल्याण हो बेटी। ये मैं समझती प्रेमी, आप क्या पूछना चाहते हैं। ये दलित हैं, इनका नाम अजीत है, शायर है, इन्हें बहुत दिनों से जानती हूँ। मैं
अपनी बहन से शादी नहीं करने वाली। अजीत इनसे मिलो। अजीत प्रेमी जी बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, दीदी में बहुत मानते थे। महाराज कल्याण कल्याण, आपके दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ। महाराज आप ऐसे लोगों का तो मैं भक्त हूँ, दास हूँ, मेरे लायक कुछ सेवा। महाराज तुम सुखी रहो, इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। सच है महाराज, आपने इस पापी दुनिया को त्याग दिया। धन्य हो महाराज, धन्य हो। देवी जी आपका टेलीफोन है। अच्छा। कल्याण हो। देवी जी आप बैठिए, मैं अच्छी आती हूँ। आइए महाराज, बधाइए। हेलो हेलो, मैं शीला बोल रही हूँ। कॉल से सुनो, अपने बाप का अंजाम देख चुकी हो, अगर तुम्हें हीरो का पता है तो बता दो, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो राय बहादुर का हुआ है, समझी? आप कौन हैं? हेलो तुम कौन बोल रही हो? वेल डन वेल डन। अच्छा क्या हुई बेटी, क्या बात है, घबराई हुई क्यों? किसका टेलीफोन था? मालूम नहीं कौन थी, कहती थी हीरो का पता बता दो, वरना तुम्हारा भी वही असर होगा जो डैडी का हुआ। मैं सच कहती हूँ प्रेमी जी, मैं हीरो के हवाला आपको करूंगी। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अगर तुम्हें हीरो के बारे में कुछ नहीं मालूम तो संसार में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। अब मैं चलता हूँ। कल्याण कल्याण, इससे पहले भी कब तुमने ये आवाज सुनी? इससे पहले तो मैंने कभी आवाज नहीं सुनी। देखो श्री, मालूम होता है कि हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं, एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि मुझसे पूछे बगैर कोई काम मत करना। अब तुम अकेली रह गई हो और तुम्हें इस दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं। आप प्रेमी जी हैं? जी हम अंदर आ सकते हैं? बधाई, हम आपका बहुत तारीफ सुना है विराजी। शुक्रिया। बात ऐसा है कि हम दर खैबर से आया है, लेकिन इधर आने के बाद दो चार मुसीबत में फंस गए। अभी आप हमारा हाथ देखो और कोई ऐसा नुस्खा बताओ जो हमारा मुश्किल आसान हो जाए। देखो खान, तुम्हारी शक्ल मुझे धोखा दे सकती है लेकिन हाथ की रेखाएं नहीं। और फिर जिस हाथ में खून की रेखा हो मिस्टर दिलीप। प्रेमी जी वाह वाह, आप बहुत कमाल के ज्योतिषी हैं, लेकिन पुलिस भूलो नहीं कि तुम खूनी हो और पुलिस तुम्हारी तलाश में है। प्रेमी जी आप बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन यह खून मैंने नहीं किया है, शायद अभी मेरे हाथ में किसी और खून बाकी है, इसीलिए मैं आपके पास आया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो, बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना हो सकता है कि तुम्हारी जगह कोई बेकसूर आदमी इस फिल्म का शिकार बन जाए और तुम्हारे नाम पर एक और खून लिखा जाए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। ईश्वर कभी कभी एक ही शक्ल के दो आदमी बना देता है, एक देवता होता है और दूसरा राक्षस। तुम अगर ईश्वर के क्रोध से बचना चाहते हो तो फौरन अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। प्रेमी जी आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाता हूं। बड़ी खान साहब आपके पास माचिस है, हमको जरा सिगरेट जलाने की है। जो बड़ी माचिस दो नी। ओ माचिस मंचे, ये लो माचिस। अरे अरे हमारे पास तो सिगरेट भी नहीं है। खुद ही तुम्हारे पास सिगरेट भी नहीं है और तू माचिस मांगते? ये लो सिगरेट भी लो। इसका मतलब ये
तुम खास से मसखरी करते हैं, हमको घूर-घूर के क्या देखता है? लो सिगरेट पियो। बड़ी हम आपको किधर देखा है? ओ तुम कैसा बात करता है, हम तो 20 साल के बाद इधर हिंदुस्तान आया है दरिया खैबर से। बड़ी फिर हम तुमको बचपन में देखा होगा। तुम हमको बचपन में जरूर देखा होगा लाला की जान। लाओ हमारा माचिस सिगरेट। बड़ी ये तो दलील है। ब्लू होटल के अंदर गया। नौ दो ग्यारह। चालाक बनने की कोशिश मत करो, बताओ वो हीरे कहाँ है? हीरे? मैं पूछता हूँ कौन से हीरे? वो असली हीरे जो राय बहादुर के पास थे, जिसकी जगह तुमने नकली कर दी है। नकली? हाँ, तो फिर असली हीरे कहाँ गए? वो तुम्हारे पास है। ओ, तुम्हें जो हीरे मिले हैं वो नकली हैं? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि राय बहादुर का खून भी तुमने किया? बकवास। यस बॉस। ये बहुत चालाक आदमी है, इससे ज्यादा बात मत करो, इससे हीरों का पता पूछो, अगर ना बताए तो उसे तहखाने में बंद रखो। ये तो गलती से लिखा मालूम पड़ेगी, ये तो जेल खाने का नक्शा मालूम होता है। बड़ी हमारा सर तो गोल है नहीं, इसकी तो लंबाई चौड़ाई का कोई हिसाब ही नहीं है। जरा देखो नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखता चलूं, कोई कष्ट तो नहीं है? बड़ी नमस्ते प्रेमी जी। कल्याण हो, कल्याण हो। अच्छे मौके पे आए प्रेमी जी, शायद मरने से पहले पिताजी ने नक्शा मेरे नाम भेजा, मुझे मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या है। और प्रेमी जी को दिखाओ ना, अरे देखो कुछ ऐसा। ओ तो गया, वो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। देखते नहीं हूँ मैं तुम्हारे बाप से बात कर रहा हूँ। पीछे पीछे। यस बॉस, वो कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? हीरा के पास एक नक्शा है, शायद यही वो नक्शा है जिससे हीरों का पता चल सकता है। तुम्हें किसी तरह भी ये नक्शा हासिल करना है। नक्शा हासिल कर? कदम करते नहीं, अजीत बनकर। अजीत? ये अजीत कौन है? वो आदमी जिससे हीरा मोहब्बत करती है, उसकी सूरत तुमसे बिल्कुल मिलती है। ओ, सूरत मिलती है? ये कैसे मुमकिन है? एक सूरत के दो आदमी कैसे हो सकते हैं? ये बिल्कुल मुमकिन है, उसकी तुमसे सूरत मिलती है। इसका मतलब ये है कि बाजी मेरे हाथ? हाँ, ये सब तुम्हारे ही हाथ में है। तो फिर मामला हो जाए। अच्छी बात, कब्जे में हूं तो क्या हुआ? तुम्हें मेरी जान की जरूरत नहीं, जरूरत और इस काम के लिए मुझे अजीत का खून करना होगा। ये तो बड़ी बात है। अगर मैं नक्शा लेकर भाग गया तो आप मेरा क्या कर लेंगे? हम इतने बेवकूफ नहीं, हमारे आदमी हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे। और नक्शा मिल जाने पर अगर आपने मुझे हीरे न दिए तो? जोर जोर से बेईमानी नहीं कर सकता, प्राण इसको रिवॉल्वर दे दो, दे दो रिवॉल्वर। आज से गरीब तुम्हारे साथ है, इसे हाथ मिलाओ। यस सर, यस। अजीत का खून, चलो दोस्तों। ये रहा उनका मकान। खड़े इधर तो ताला लगा पड़ा है, यही कहीं होंगे, चलो उन्हें ढूंढे। अरे ये तो दलीप है। अरे सब गुंडे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, भागो वरना मुसीबत आ जाएगी। हम लोग यहाँ छुप कर देखेंगे ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, तो जल्दी से छुप जाओ। अरे यहाँ नहीं,
हाँ, उस झांसी की तो छोड़ नहीं करना। अरे नीली आंखें, नीली आंखें, ये तो गैर मुल्की जासूस और हीरो का सबसे बड़ा स्मगलर है। और हम पुलिस वाले ये समझते रहे कि ये कब का खत्म हो गया, लेकिन मालूम हुआ ये तो आज खत्म हुआ। बड़ी हमको भी आज मालूम हुआ कि आप पुलिस वाले हो। वेल मिस्टर पानीवानी, हम तुम्हारे वास्ते पुलिस वाला है, लेकिन शीला के लिए हम अभी तक अच्छी पुलिस। तुम्हारी तरकीब हमारी समझ में नहीं आई कि लेडीज के वास्ते डिफरेंट, जेंट के वास्ते डिफरेंट। बड़ी चलो तो तुम्हारे वक्त में समझो कि हमारी कुर्बानी हो गई।